मेरा एक दोस्त है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता है। वो हमेशा मुझसे कहता रहता है, यार काम में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ मोटिवेशन नहीं है। सैलरी तो ठीक ठाक है और एडेड पर्क्स भी हैं, पर फिर भी काम में मज़ा नहीं है। ऐसे ही मेरा एक और दोस्त है जो बैंक में काम करता है। वो भी मुझसे हमेशा यही कहता रहता है, यार काम में कुछ मज़ा नहीं है। दिन रात भाई घिसा पिटा काम करो, सुबह से शाम तक गधा मजदूरी करो, लेकिन उसके बाद भी पैसे भी कम मिलते हैं और कोई मज़ा भी नहीं आता। इन दोनों ही दोस्तों से बात करके मुझे यह समझ में आया, मेरे दोनों ही दोस्तों को अपना काम फुलफिलिंग नहीं लग रहा है। कुछ मोटिवेशन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, एनर्जी नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं तो कुछ मिसिंग है। यही मिसिंग लिंक को जोड़ने में एक बुक बहुत हेल्पफुल है, वो है डैनियल एच पिंक की ड्राइव, जिससे टिप्स लेकर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकती हैं, काम को इंटरेस्टिंग बना सकती हैं और एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्टिव बना सकती हैं, जिससे एम्प्लॉयज़ काम में इंटरेस्ट लेते हुए उसे मजे से कर सकते हैं और कंपनी को आगे ले जा सकते हैं, जो दोनों एम्प्लॉयज और कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन है। इसी बुक से आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं, तो शुरू करते हैं। ऑथर के अनुसार टास्क दो टाइप के होते हैं, नंबर वन एल्गोरिथमिक, जिसको मैकेनिकल टास्क भी कहते हैं, नंबर टू ह्यूरिस्टिक, जिसको क्रिएटिव टास्क कहा जाता है। एल्गोरिथमिक या मैकेनिकल बोले तो वो काम जिनको करने का तरीका एकदम डिफाइंड है, जो कि सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हुए किए जा सकते हैं। मेरे दोस्तों के कंटेक्स्ट में कहूँ तो जैसे मेरे बैंक वाले दोस्त का काम, जो कि एक कैशियर है, उसके रोज़ के कामों में से कैश डिपॉजिट लेने वाला काम कुछ ऐसा है। सबसे पहले वो कस्टमर से एक पेन स्लिप भरवाता है, चेक करता है कि दी गई रकम और लिखी गई रकम सही है कि नहीं, सब कस्टमर डिटेल्स फॉर्म में सही फिल किए गए हैं कि नहीं, एक्सेट्रा। फिर वो अपने सिस्टम में उस कस्टमर के बैंक अकाउंट की एंट्री करता है। फाइनली वो कस्टमर को कैश डिपॉजिट की रिसिप्ट देता है। ह्यूरिस्टिक और क्रिएटिव ये ऐसा टास्क है जिसका कोई तरीका डिफाइंड नहीं है, कैसे करना है कोई एल्गोरिथम नहीं है, जो कि मेरा सॉफ्टवेयर वाला दोस्त करता है। ह्यूरिस्टिक या क्रिएटिव टास्क ऐसा काम है जो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करके, एक्सपेरिमेंट करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, रिसर्च करके और नए नए आइडियाज जनरेट करके करना पड़ता है, जैसे कि एक नया गेम डिजाइन करना। अब सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों ही अलग अलग काम करने वाले एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेटेड रखें। एक बहुत ही कॉमन सोचने वाला तरीका है कैरेट्स एंड स्टिक, जो बहुत सी कंपनी आज भी फॉलो करती हैं, यानी पैसे देकर या पनिशमेंट देकर। लेकिन असल में साइंस कुछ और ही कहता है। कैरेट्स एंड स्टिक्स हर सिचुएशन में काम नहीं करते, वो कौन सी सिचुएशन में काम करते हैं और कौन सी में नहीं, इसको ऑथर ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, आइए देखते हैं। क्या ये रूटीन या मैकेनिकल नेचर का काम है? अगर हाँ तो क्या इसे चैलेंजिंग या नॉन रूटीन बनाया जा सकता है, और क्या इसे कोई पर्पज से जोड़ा जा सकता है? अगर यह करना मुश्किल है तो ऑथर कहते हैं इस केस में हमें इफ देन रिवॉर्ड का यूज करना चाहिए। इफ देन रिवॉर्ड सिंपली कैरेट्स एंड स्टिक्स वाला रिवॉर्ड है, मतलब अगर अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, ऑनसाइट मिलेगा, एक्सेट्रा। लेकिन इफ देन रिवॉर्ड्स में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर वन, अपने एम्प्लॉयज को जरूर बताएं यह काम करने के पीछे वजह क्या है और यह क्यों जरूरी है। नंबर टू, इस बात को एक्नॉलेज करें कि यह काम बोरिंग है। नंबर थ्री, लोगों को इस बात की आजादी दें कि वह काम किस तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं। आइए देखते हैं उस केस में जहां टास्क रूटीन नहीं है या जहां टास्क को चैलेंजिंग या ह्यूरिस्टिक बनाया जा सकता है, क्या करना चाहिए। ऐसे टास्क में हमें हेल्दी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में फोकस करना चाहिए। यहां हमें एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां एम्प्लॉयज को फेयर सैलरी मिले और जहां ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस को बढ़ावा मिले। यहां इफ देन रिवॉर्ड की जगह नाउ दैट रिवॉर्ड दिए जाने चाहिए। नाउ दैट रिवॉर्ड सिंपली वो रिवॉर्ड्स हैं जो काम कंप्लीट होने के बाद दिए जाते हैं। ये कोई पहले से कैरेट या लालच दिखाने में इस्तेमाल नहीं किए जाते, यह बस एक जेन्युइन अप्रिसिएशन का तरीका है। नाउ दैट रिवॉर्ड को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर वन, लोगों को रिवॉर्ड में कोई चीज जिसे छुआ या महसूस किया जा सके देने की बजाय एक अच्छा फीडबैक और शाबाशी दी जानी चाहिए। नंबर टू, यह इंश्योर करना चाहिए कि फोकस इन्फॉर्मेशन दिए जाने पर हो, ना कि लोगों को कंट्रोल करने पर। यह एक फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है उन सारी बातों का जो मैंने अभी अभी आपको बताई। कमेंट करके बताएं अगर आपको यह बातें प्रैक्टिकल लगी और अगर आपको यह फ्लो डायग्राम अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए। मैं इसकी PDF फाइल शेयर कर दूंगा। वैसे तो कई कंपनीज इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही हैं, उम्मीद है और भी कंपनीज इन बातों पर ध्यान देंगी और मेरे कई दोस्तों को सेटिस्फैक्टरली काम करने में मदद करेंगी। इस बुक की कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।
बुक पढ़ें, डिस्कस करें और अपने व्यूज़ और इनपुट्स जरूर शेयर करें।